अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ कोफ्ते। इसके लिए अगर आप चाहें तो मटन कीमा भी ले सकते हैं। ये मैंने आधा किलो बीफ कीमा लिया, इसके लिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उन्हें मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। 1 टेबल स्पून खसखस पाउडर, ये मैंने घर में तैयार किया है। इसको बारीक पीसने के लिए आपको मैं एक टिप देती चलूं कि अगर आपने इसे किसी स्वीट में इस्तेमाल करना है तो आप इसमें चीनी डालकर इसे पीसें, और आपने अगर इसे किसी नमकीन डिश में इस्तेमाल करना है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे पीस लें तो ये बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, जिस तरह के ये बन चुका है। 1/2 टी स्पून गर्म मसाला, 3 टेबल स्पून बेसन, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, नमक टेस्ट के मुताबिक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, ये मैंने समझे कुचला है इतना पाउडर नहीं बना हुआ, 1/2 टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो पिसी हुई भी ले सकते हैं और 1 चम्मच भी ले सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। ये 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और थोड़े से धनिया के पत्ते, और 2 से 3 टेबल स्पून दही के जाएंगे। अगर आपने बाहर से कीमा मंगवाना है तो उसे दो मरतबा, उसे कहें कि 2 मरतबा मशीन से निकाल कर आपको दे, और बाकी सब सारी चीज़ें तो इसी तरह होंगी, लेकिन आपने उसमें ये हरी मिर्च और ये धनिया इसको भी पीस लेना है ताकि जब आप कोफ्ता बनाएं तो उसमें कोई चीज़ अलग से ना दिखाई दे। अब इस चॉपर में ये मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये जो प्याज का पेस्ट मैंने बनाया था इसमें से हम 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे, बाकी का हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। ये दही 2 टेबल स्पून में ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे पीस लूंगी। ये लीजिए कीमा तैयार है। अब मैं इसके बॉल्स बना लूंगी। एक बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जो मैं के पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप बाज़ार से कीमा मंगवाते हैं तो उसे एक तो डबल आपने मशीन से निकलवाना है, दूसरा जब आप इसे घर में लाकर वॉश करेंगे तो जिस छन्नी वगैरह में आप इसे वॉश करेंगे तो उसमें आधा घंटा उसे पड़ा रहने दें ताकि उसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। मीट बाल तैयार हो चुके हैं। अब हमने चूल्हे पर एक पैन रखना है, ये वही पैन है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था। इसमें मैं और ऑयल ऐड कर लूँगी, वो थोड़ा कम था। ये ऑयल मैंने 3 बड़े चम्मच लिया है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा रख सकते हैं। इसे मैं हल्का सा गर्म होने दूँगी और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ अदरक लहसुन, 1 टेबल स्पून भर कर लिया है मैंने। इसे मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ये पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये प्याज का पेस्ट है जो मैंने कोफ्ते की जब बॉल्स वगैरह बनानी थी उसमें भी मैंने इसमें से 2 टेबल स्पून ऐड किया था। मैं इसे भी हल्का सा फ्राई करूंगी, ये ऑलरेडी फ्राई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून नमक। नमक हम मीट बॉल जो बनाए हैं हमने उसमें हम उसके हिसाब से डाल चुके हैं। अब हमने इस ग्रेवी के हिसाब से इसमें नमक ऐड करना है। ये 4 चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। इसे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए इसमें ऑयल अलहदा हो रहा है। अब मैं इसमें आधा कप दही का ऐड कर दूंगी, दही मैंने फेंट लिया है। इसे भी तकरीबन तीन मिनट में भून लूंगी ताकि जो दही का कलर है वाइट हो गया, देखें सालन, तो ये कलर चेंज हो जाए इसका। ऑयल अलहदा हो रहा है। अब मैं इसमें आधा कप पानी का ऐड कर दूंगी और इसे तकरीबन 3 मिनट और पकाऊंगी।
अब मैं गैस की फ्लेम कम कर दूंगी और इसमें ये सारे कोफ्ते सेट कर दूंगी। ये देखिए ये सारे कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। हमने गैस की फ्लेम बस इतनी रखनी है कि ये हल्का हल्का इसमें बॉयल आता रहे। अब मैं इसकी टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि आप इसके बॉल कितने बड़े बना रहे हैं, मीट बॉल आप कितना बड़ा बना रहे हैं साइज़ में। तो आपने बस इसे इतनी देर कुक करना है कि ये अच्छे से चारों तरफ से पक जाए। मैं इसे 10 मिनट का या 5 मिनट का फ़िलहाल दम दूंगी, उसके बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे इस तरीके से हिलाकर इसकी साइडें चेंज कर लूँगी। हमने इसमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। और एक बात जो मैं आपको बता दूं कि वो ये कि अगर ये कोफ्ते नहीं जुड़ रहे तो आप थोड़ा सा इसमें बेसन और मिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसे 5 मिनट और देती हूँ। इसे चारों तरफ से कुक करने में मेरे 20 मिनट लगे हैं। अगर आपने मीट बॉल बड़े बनाए हैं तो तकरीबन आपका 25 से 30 मिनट का टाइम लग जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस उतने टाइम तक पकाएं जब तक कि ये अच्छे से चारों तरफ से कुक ना हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर ये हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी और इसे तकरीबन 3 मिनट का दम दूंगी। इससे इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू उठ जाएगी, उठेगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है और हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इसमें चाहें तो गरम मसाला ऊपर से डाल लें, लेकिन मैं पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। और इसके साथ ही चंद पत्ते हरे धनिए के। ये लीजिए जनाब, कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं और इंतहाई लजीज और शानदार किस्म के कोफ्ते बने हैं। और आपने देखा कि रेसिपी कितनी आसान है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें, उससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। और ये बिल्कुल फ्री है। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।